देखिए, मैंने जो सबसे पहले मैं सबका बहुत पूरे मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से मेरी आवाज़ दुनिया के कोने कोने तक पहुँची है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह से मेरे पास कॉल मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे लोग मुझे बहुत मैसेजेस कर रहे हैं, उन सबका भी तहे दिल से शुक्रिया। और मैंने जो प्रॉमिस किया था, फैज़ान अंसारी ने जो प्रॉमिस किया था, आज वो प्रॉमिस पूरा किया है। आज मैं बांद्रा कोर्ट आया हूँ मुंबई में, और मेरे एंड से पूरी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, अभी सिर्फ आयशा के सिग्नेचर होना बाकी है। नहीं तो आपने कितने रुपए का क्या किया है, जो फाइनेंशियल जो चीज़ है उसके बारे में डिटेल्स बताइए कि क्या फाइनेंशियल आपने? देखिए, फाइनेंशियल तो कुछ ऐसा नहीं है, और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैं ये बताना नहीं चाहता था कि इतने पैसे अमाउंट या कुछ दे रहा हूँ। एक हक़ महर जो हमारी यहाँ मुस्लिम समाज में अदा होती है निकाह के वक्त, वो हमने अदा करी है। और आप देख सकते हैं ये चेक मैंने रेडी करके रखा हुआ है आयशा के नाम का। जिस दिन आयशा आएंगी यहाँ पे, जो 15 लाख महर मैंने कहा था, तो ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अमाउंट का मुझे उनको बताना है या मैं पैसे दे रहा हूँ, इसलिए नहीं। ये मेरा फ़र्ज़ था और ये ईमानदारी से मैंने ये चेक उनके नाम का, आप देख सकते हैं, क्लियर रखा है। एक्सिस बैंक मुंबई में मेरा अकाउंट है, उनके लिए मैंने ये अमाउंट अलग ही कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान के साइड से विरोध भी है, वीज़ा भी आपको ग्रांट नहीं हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ भी विरोध किए, देखिए पंडितों ने विरोध किया, राइट, कई मौलवी राइट सब विरोध कर रहे हैं आपकी इस बात का, तो आपको इस बात का खौफ नहीं है कि कोई? देखिए, अभी मुझे ऐसा लगता है कि फैज़ान अंसारी का नाम यूज़ करके बहुत लोग हैं जो कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मेरा नाम लेके बहुत लोग फेमस होना चाह रहे हैं, काफ़ी लोग वीडियोज़ बना रहे हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि यार ये समाज का ठेका किसी ने लिया हुआ है क्या? अगर मैं मुस्लिम हूँ, एज अ मुस्लिम, तो मुझे पता है कि एक मुस्लिम के राइट्स क्या होते हैं, मुस्लिम को क्या क्या मुस्लिम कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ निकाह, वो सब मैंने फॉर्मेलिटीज़ अभी दी हैं। और अभी मैं आगे जा रहा हूँ और अब पूरे डॉक्यूमेंटेशन जो है वहाँ पे उनको भेज रहा हूँ, और बस आयशा के साइन की देरी है, और अब आयशा मेरी बेगम ऑलमोस्ट बन चुकी हैं। क्या खास बात देखिए आपको आयशा में, क्यों इतने उतावले हो रहे हैं, क्या आप प्यार कैसे पनपा आपके दिल में उनके लिए, क्यों चाहते हैं कि आयशा आपकी साथी बने, हमनवा बने? देखिए सर, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब से उनका वीडियो आया, मुझे खुद पता नहीं आया कि क्या हुआ, बस मुझे उस आयशा के अलावा कोई दिख नहीं रहा था, मुझे सिर्फ वही समझ में आ रही थी। और मैंने कहा कुछ भी करके इनको अप्रोच करना है, तो फाइनली जो मैंने प्रॉमिस किया था, मेन आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रीज़न ये है कि जो मैंने प्रॉमिस किया था, आज उस प्रॉमिस पे मैं खड़ा उतरा हूँ, और आज मैंने अपनी पूरी फॉर्मेलिटीज़ कर दी हैं। अभी सिर्फ मुझे उनके साइन की देर है, उसके बाद से अब आयशा को मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। अभी में लोगों का मानना कि पहचान इतने इस कॉन्ट्रोवर्सी में गिर रहे हैं, उनका जो मकसद है मेन ये कि बिग बॉस का हिस्सा बने, सलमान भाई के साथ काम करें, क्या कह रहे हैं? देखिए, लोग तो ट्रॉल करते हैं, अपनी अपनी ओपिनियंस रखते हैं, मुझे कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफकोर्स बिग बॉस इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म रियलिटी शो है, अगर उसमें मुझे बुलाया जाएगा तो डेफिनेटली मैं वहाँ जाऊँगा और लोगों को इंटरटेन करने की कोशिश करूँगा। और एक बात के लिए और, मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अभी ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि 20 मिलियन क्रॉस हो चुका है, 2 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों ने हमारे वीडियो को देखा है, सराहा है और प्यार दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे नाम से इंस्टाग्राम पे किसी ने फेक आईडी बनाई है जो फैज़ान _ अंसारी _ बॉलीवुड है। सो मैं पूरे ऑडियंस को बताना चाहता हूँ आप लोगों के थ्रू कि मेरी एक ही रियल इंस्टाग्राम आईडी है, जो है फैज़ान _ मेरी एक ही इंस्टाग्राम आईडी है जिस पे हज़ारों लाखों लोगों करोड़ों लोगों का प्यार आ रहा है। सो जो भी है, जो लोग मेरा नाम का यूज़ कर रहे हैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने उनको पहले भी माफ़ किया, अभी भी माफ़ कर रहा हूँ। बट मैं कहना चाहता हूँ जो समाज के ठेकेदार बन के घूम रहे हैं, अभी वो क्या बोलेंगे, मुझे उनके आंसर्स का वेट कर रहा हूँ मैं, अब वो क्या बोलेंगे। मैंने पूरी फॉर्मेलिटीज़ बांद्रा कोर्ट में आके कर दी हैं, मुझे भी पता है कि किसी को अपनाने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए, जीवन साथी बनाने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो मैं कर चुका हूँ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आयशा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और ये आयशा के लिए एक ऐसा गिफ्ट है जो एक खाली एक ये रेड फ्लावर नहीं है, इसके अंदर मेरी फीलिंग्स हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर एक अच्छा क्या बात है गोल्ड रिंग है जो स्पेशली आयशा के लिए है। ये मैंने अपने कबर्ड में बहुत संभाल के रखा है, ये जैसी आयशा आएंगी तो ये गोल्ड रिंग मैं उनको दूंगा। इसकी कोई कीमत नहीं है, इसकी कीमत अनमोल है, ये मेरे फीलिंग्स इससे बहुत अटैच हैं, तो इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं चाहता हूँ आयशा जल्दी से जल्दी आके मुझे अपनाए, मुझे अपना बनाए। और मैंने कहा था कि अगर इंसान कुछ भी अपने अगर कुछ भी चाहता है लाइफ में, तो वो चीज़ उससे मिलती है। मैंने आयशा को पूरा अपना दिल से चाहा, दिल से प्यार किया है, और मैं आयशा को हासिल करने के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, और पता नहीं आगे फैज़ान अंसारी को क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन फैज़ान अंसारी पीछे नहीं हटेगा। आप सब लोगों की दुआ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।